नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाठी, और सिलसिला बाजारों का में डिस्कस करेंगे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, रुपा मेथड की क्या राय रहेगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में, गोल्ड सिल्वर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं कि आज गोल्ड इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में कल के मुकाबले आज थोड़ा और ज़्यादा टूट गया है। $1921 पर है सिल्वर, $24.4 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। घरेलू वायदा में भी गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं टूटती नजर आई हैं। रीज़न क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो रीज़न ये है कि डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी डॉलर में जोरदार बढ़त देखने को मिल रही है, जोरदार तेज़ी देखने को मिल रही है। अमेरिका में जो महंगाई दर है जोरदार है, बढ़त बढ़ती ही जा रही है। और जिस हिसाब से अमेरिका में US जॉब डेटा आया था वो भी अच्छा आया था, जॉबलेस पीपल, नंबर ऑफ पीपल कम देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ये जो डॉलर है उसको मजबूती मिली है और भारतीय रुपया कमज़ोर हुआ है। और जब भारतीय रुपया कमज़ोर होता है हम देखते हैं कि उसका असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर भी पड़ता नज़र आता है। और दूसरा, जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसीज टाइट कर सकता है, उसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में उठापटक का माहौल है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड और सिल्वर में जब उठापटक जारी हो तो कमाई कैसे करनी चाहिए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीरीज पर। जी, गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि आज भी नरमी वाला रुख देखने को मिल रहा है, डॉलर देखने लगातार तेज होता जा रहा है। तो रूपा जी, ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में कमाई कैसे की जा सकती है? देखिए, अभी बिकवाली की रणनीति में रहा जा सकता है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा दबाव वाला है, और सोना एक सीमित रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी जो रेंज बन चुकी है वो 50,000 से 52,000 के बीच में है। इनमें से जो भी लेवल ब्रेक होगा नीचे का तो गिरावट बढ़ जाएगी, और अगर ऊपर का 52,000 का ब्रेकअप आता है तो फिर तेजी की तरफ जा सकता है। हाल फिलहाल में एक सीमित दायरे में कारोबार एक्सपेक्टेड है। आज इंट्राडे में भी सोना एक बार 51,400 से 51,200 तक नीचे जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, इन्वेस्टर्स ने काफी जगहों से काफी लोगों ने जो है अपना पैसा जो है गोल्ड से निकालकर दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से लगातार इस कमोडिटी के अंदर प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ चांदी में भी बिकवाली का मंजर देखने को मिल रहा है, और भाव जो है वो अभी 66,000 के आसपास फंस कर रह गया है। तो नीचे में लग रहा है हमें कि 65,000 तक एक बार नीचे में चांदी भी लुढ़क सकती है। तो यानी कि सोना और चांदी दोनों में ऊपरी स्तरों पर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बिकवाली करके चला जा सकता है। जी, ये से रूपा जी क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI $100 के नीचे लुढ़क चुका है, और ब्रांड क्रूड ऑयल भी कल के मुकाबले आज नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि हरे निशान पर है, दोनों कच्चे तेल, लेकिन कीमतों में नरमी है। ब्रांड क्रूड ऑयल $102 पर है। रूपा जी, खबर निकल के सामने आई है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 120 मिलियन बैरल कच्चे तेल मार्केट में उतार सकती है, जिसकी वजह से बाजार टूटा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके अकॉर्डिंग कच्चे तेल में अभी क्या रणनीति होनी चाहिए, और आगे कच्चे तेल में अब क्या कीमतें देखने को मिल सकती हैं? देखिए, कच्चे तेल में अभी कीमत जो है वो स्थिर रह सकता है, और अभी जिस तरीके के अपडेट निकल कर आ रहे हैं, और अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो बिल्कुल कच्चे तेल की कीमतें जो है वो दबाव में आती हुई दिखाई देंगी, और प्रेशर जो है वो बन सकता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार $100 के नीचे है मार्केट, और जो रेंज बनती दिखाई दे रही है वो $90 से लेकर $110-$120 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है कि बना रहे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा दबाव कॉन्टिन्यूशन में रह सकता है, तो कच्चे तेल में फिलहाल जो है थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, और इंट्राडे स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर स्तरों पर भी पाली करके चल सकते। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर के प्राइसेस थोड़े स्लिप हुए हैं, लेकिन बाकी बेस मेटल्स ठीक ठाक ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब बेस मेटल्स में क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके? क्योंकि बेस मेटल में अभी भी पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, क्योंकि बेस मेटल जो है वो तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी भी चाहे जिंक हो, कॉपर हो, इन सब में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि अभी आगे चलकर जिंक में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन करेक्शन के अंदर इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में देख रहे हैं कि जो पावर जनरेटर्स हैं उनकी तरफ से जो डिमांड है वो थोड़ी बड़ी है। हालांकि चाइना में लॉकडाउन की वजह से डिमांड थोड़ी कम भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ी भी है बाकी देशों की तरफ से। तो नेचुरल गैस देख रहे हैं $6.1 पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है नेचुरल गैस अब घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में क्या लेवल्स दिखा सकती है?
देखिए नेचुरल गैस पे भी तेजी जो है वो एक लिमिटेड है। अब यहाँ से देखिए अगर सब एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो अपसाइड मोमेंटम बना हुआ था वो एक बार थम सा गया है, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस, और अब यहाँ से जो रेंज हम देख रहे हैं वो 480 से लेकर नीचे में 420-400 तक बाजार ट्रेड करता दिखाई दे सकता है, यानी कि अपसाइड बहुत ज्यादा अभी फिलहाल नहीं है। यहाँ से 10 से 15 रुपए का एक बार अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स किन्हें देना चाहेंगी आप ऐसी वॉलेटिलिटी की सिचुएशन में नॉन एग्री कम्युनिटीज में? देखिए मुझे लगता है कि इस टाइम ऊपर बेस में जस्ट में निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए और सोने चांदी में हल्की बिकवाली करके चला जाता। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।